हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यर चैनल नॉलेज इज पावर तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बायोस्पियर रिजर्व ये तीन चीज का जो डिफरेंस है वो आज हम जानते हैं ये तीन चीज़ एक्चुअली जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ये जो पॉलिसीज बनाया गया है इन तीनों के ऊपर मेनली टू प्रोटेक्ट आवर नेचर प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना जो डिफरेंट प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए ठीक है ये सब चीज़ें मेनली बनाया गया है टू बैलेंस आवर नेचर बैलेंस आवर जो प्रकृति है जो हमारा एनवायरनमेंट uh, है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें बनाया गया है तो एक एक करके समझते हैं फर्स्ट हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में इट इज़ द एरिया इट इज़ द एरिया एरियायर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेड द कैप्चरिंग किलिंग एंड पॉचिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड इन दिस एरियाज़ एंड दे एम एट प्रोवाइडिंग ए कम्फर्टेबल लिविंग टू द एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक छोटा एरिया होता है मेनली कंपेरेटिवली uh, एक छोटा एरिया होता है और जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन टोटली मनाई है ह्यूमन इंटरवेंशन इज रेस्ट्रिक्टेड एंड द किलिंग एंड पॉचिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यू कैन नॉट कट डाउन ट्रीज देयर एंड सो दैट द एनिमल्स कैन रोम दे कैन घूम सकते हैं उसके अंदर फ्रीली घूम सकते हैं ओके okay? और इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हालांकि प्राइवेट में एक ही है एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ आपका इसका नाम है कर्नाटका में है ये ठीक है इट इज़ द साई ओके साई मीन्स सेव एनिमल इनिशिएटिव, इसका जो फुल फॉर्म है सेव एनिमल इनिशिएटिव ये कर्नाटका में है ये लगभग 55 फाइव एकर्स में लगभग है जो कि अगर आप ऐसे बात करेंगे तो 1.2 स्क्वायर किलोमीटर लगभग उसकी एरिया है ठीक है और टोटल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में वो 553 है राइट तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में इट इज नेशनल पार्क सो टेलिंग अबाउट द नेशनल पार्क इट इज़ कंपेरेटिवली बिगर एरिया एज कंपेज टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द गवर्मेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनरली नेशनल पार्कस को प्रिजर्व किया जाता है और मेनली नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए ही ये नेशनल पार्कस बनाया जाता है और नेशनल पार्कस एक्चुअली कैन बी इट कैन भी छोड़ा जा सकता है लोगों को फॉर पब्लिक रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट पिकनिक वगैरह के लिए छोड़ा जाता है बट इट इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट दे कैन रेस्ट्रिक्ट एनी टाइम कर सकते हैं और वो जो नेशनल पार्क्स के जो एरिया है उसके अंदर कोई भी केलिंग पॉचिंग ये सब एवॉयड है आप नहीं कर सकते और गवर्नमेंट परमिशन से ही आप जा सकते हैं अंदर आप गवर्नमेंट परमिशन से ही जा सकते हैं जैसे कभी मना कर दिया तो आप नहीं जा सकते और किसी कारण से उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया तो आप नहीं जा सकते अंदर और सो so देट इसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देने की कोशिश किया गया किया जाता है ताकि उसके अंदर जो एनिमल्स है वो फ्रीली घूम पाए फ्रीली अपना लाइफ चला पाएँ और उनके अंदर कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस ना हो बेसिकली और उसका मेन चीज़ है कि उसके अंदर जो Uh, कोई अगर टेम्पल है या कोई हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का चीज़ें हैं ठीक है अगर कोई उसके अंदर टेम्पल वगैरह या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के चीज़ें हैं उसके अंदर उस पर्टिकुलरली नेशनल पार्क के अंदर उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है नहीं उसको नेग्लेक्ट किया नहीं जाता है ठीक है तो दिस इज़ द मेन थिंग और अभी अगर बात करते हैं टोटल इंडिया में 105 नेशनल पार्क्स टिल टुडे टिल हंड्रेड फाइव नेशनल पार्क्स है लाइक काना नेशनल पार्क एंड अदर्स मैनी नेशनल पार्क्स। आप सर्च कर सकते हैं अपने गूगल में नेशनल पार्क्स नियर मी तो आपको पता चल जाएगा और उसके बारे में क्या क्या एनिमल्स से क्या क्या प्लांट्स से उसको आप पता कर सकते हैं ताकि आपके आसपास जो है उसको आप जान सकें थोड़ी सी बेहतर ढंग से राइट right? तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व तो बायोस्पियर रिज़र्व जो है ये कंपेरेटिवली एक बिगर एरिया होता है ठीक है कंपेरेटिवली एक बिगर एरिया होता है और इस बायोस्पियर रिज़र्व में एक्चुअली थ्री लेयर्स होता है ये एक थ्री लेयर्स होता है एक होता है कोर जोन कोर एरिया और बाकी उसके बाद होता है जो अंदर जब मेन एरिया होता है वो कोर एरिया उसके बाद बफर जोन और बाकी जो पूरा आपका बायोस्पियर रिज़र्व है तो इसको मेनली बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट ए लार्जर एरिया एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट्स को बचाने के लिए किया जाता है और अगर उसके अंदर कोई जनजाति भी रह रहे हैं तो उनको भी उसमें सेटल डाउन किया जाता है सो देट दे कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ उनको वहाँ से हटाया नहीं जाता दे आर नॉट डिस्टर्ब फ्रॉम देट पर्टिकुलर प्लेस ओके और uh, जो वफर एरिया होता है उस एरिया में और जो लार्जर एरिया है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है बफर एरिया में भी वो लोग अपने कैटल को ग्रेजिंग के लिए या के लिए जा सकते हैं और कोर एरिया में मेनली आपका जो डेंस फॉरेस्ट एरिया होता है वो कोर एरिया में आ, वहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरवेंशन नॉट अलाउड बट टोटल बायोस्फियर रिजर्व में आपका कोई भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड कैप्चरिंग किलिंग पॉचिंग ये सब नॉट अलाउड है और कोर एरिया में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है बाकी एरिया में आप आ जा सकते हैं दैट इज ए फ्री फ्लो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई परमिशन की जरूरत नहीं है बट कोर एरिया में आपको जा नहीं सकते राइट right? सो so, अगर हम बात करें टोटल इंडिया में दे आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व ओके गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ओके सो अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इट ऑल्सो रिस्टोर द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ़ द ट्राइब्स लिविंग इन दिस द कंजर्व द बायोसडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया सो ये जो लोग रहते हैं ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं जो आपका जनजातीय लोग रहते हैं या जो ट्रेडिशनल लाइफ वो अपना ट्राइब्स जो है वो मेंटेन करते हैं और वो कंजर्व करते हैं वो ज, उस एरिया के से जुड़े हुए रहते हैं उन जंगल के साथ उनका से जुड़े हुए रहते हैं सो दैट इट कैन बी अ बैलेंस्ड एटमोसफियर और सो गिव ए बैलेंस्ड एनवायरमेंट और बस इतना ही है सो so, आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय स्टे